हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार द्वारा नवीन 3 कृषि कानून लाए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में किसानों द्वारा इन कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा था। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय कर लिया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के नाम संबोधन जारी कर 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। कानून वापस लिए जाने को लेकर देश भर के कांग्रेसी इसे किसानों की बड़ी जीत बताते हुए खुशियां मना रहे हैं। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय के अहिंसा सर्कल पर भी शुक्रवार को कांग्रेस जनों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया और कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय को किसानों की बड़ी जीत बताया एवं इसे केंद्र सरकार की हार भी बताया। कांग्रेस जनों के अनुसार कृषि कानूनों के लागू किए जाने के बाद से ही देश भर के किसानों में केंद्र सरकार के प्रति भयंकर रोष देखा जा रहा था। आखिरकार किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार को मजबूरन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा, जो देश के किसानों के लिए बड़ी जीत है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 17 सितंबर 2020 को संसद में खेती किसानी से जुड़े 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, लेकिन देश के कई हिस्सों में रहने वाले किसान इन 3 कृषि बिलों का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि सरकार नए कृषि कानूनों को लाकर MSP हटाने की साजिश रच रही है। पिछले साल भर से चल रहे कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने अब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय कर लिया है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।